गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, मजे से हो, बिंदास हो, खाना पीना भी कर रहे हो, अपना ध्यान भी रख रहे हो। और आज का ये जो लेक्चर है, ये सेशन है, ये तुम लोग मेरे साथ कंटिन्यू करने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार भी हैं, ठीक है। हम जो चैप्टर शुरू किए थे, चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई, उसी चैप्टर का हम लास्ट आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोप यहां तक हम देख चुके हैं। आज हम नया टॉपिक करेंगे, नया लेक्चर करेंगे। इसको समझने के लिए तुम लोग प्रीवियस लेक्चर को देखना, उसके बाद ये लेक्चर को देखना, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर मास, ठीक है। तो ये टॉपिक उतारो, न्यूक्लियर मास। तो न्यूक्लियर मास इज द मास नंबर ऑफ एन एटम। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो न्यूक्लियर मास क्या है? न्यूक्लियर मास इज द मास नंबर ऑफ एन एटम, ठीक है। न्यूक्लियर मास इज द मास नंबर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर मास। तो अगर मास नंबर, तो न्यूक्लियर मास को अगर हम मैथमेटिकली लिखे, न्यूक्लियर मास इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं जेड एम पी, यानी मास ऑफ द प्रोटॉन बाय एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन एम एन, ठीक है। जेड एम पी इज द एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एंड एन एम एन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यही है हमारा न्यूक्लियर मास, ठीक है। अच्छा, तो यही है हमारा न्यूक्लियर मास। क्या है न्यूक्लियर मास? इज द मास नंबर ऑफ एन एटम, न्यूक्लियर मास इक्वल टू जेड एम पी प्लस एन एम एन। जेड एम पी क्या है? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एंड एन एम एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, तो फॉर स्टेबल न्यूक्लियस, फॉर एक नोट लिखो, फॉर स्टेबल न्यूक्लियस, फॉर स्टेबल न्यूक्लियस इफ एम इज द स्टेबल न्यूक्लियस टोटल मास ऑफ न्यूक्लियर, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियर लेस देन दैट ऑफ मास नंबर। एक स्टेबल न्यूक्लियस के लिए मास नंबर और न्यूक्लियर मास, एक स्टेबल न्यूक्लियस के लिए जो उसका मास है, टोटल मास जो है वो हमारे न्यूक्लियर मास से कम रहेगा, लेस देन रहेगा, ठीक है। कौन से वाले न्यूक्लियस के लिए? स्टेबल न्यूक्लियस के लिए।
फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद नहीं स्टेबल अनस्टेबल नहीं स्टेबल, जैसे कि हीलियम, इसका एकदम पूरा कंप्लीट है 2.8 है, इसका आउटरमोस्ट कॉन्फिगरेशन एकदम पूरा कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका जो टोटल मास है, इसका एक स्टेबल न्यूक्लियस का जो टोटल मास है वो लेस देन दैट ऑफ मास नंबर ऑफ न्यूक्लियर मास, लेस देन दैट ऑफ मास नंबर और न्यूक्लियर मास, ठीक है। अच्छा, यानी स्मॉल m, अगर इसका टोटल मास अगर आप स्मॉल m से डिनोट करें इज लेस देन दैट ऑफ लेट इट बी प्लस एन एम, ओके, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियर इज लेस देन दैट ऑफ मास नंबर ऑफ न्यूक्लियर मास, किसके लिए, स्टेबल न्यूक्लियस के लिए, और इसका इजी के मैथमेटिकल रूप है दैट इज स्मॉल एम लेस देन दैट ऑफ जेड एम बी प्लस एन एम, ठीक है। अगर ये इसको अगर हम एक रिलेशनशिप से रिलेट करें और जेड एम बी प्लस एन एम माइनस एन, इसको अगर हमने ऐसा लिख दिया जेड एम बी प्लस एन एम माइनस एन डेल्टा एम से डिनोट कर दिया, यही डेल्टा एम को हम बोलेंगे मास डिफेक्ट, क्या बोलेंगे मास डिफेक्ट, ठीक है। ठीक है, यही एम क्या है हमारा स्टेबल न्यूक्लियस और रेस्ट मास, इसको हम रेस्ट मास भी बोलते हैं कभी कभी, रेस्ट मास, और ये क्या है हमारा न्यूक्लियर मास और मास नंबर। तो मास डिफेक्ट का सिंपल डेफिनेशन अगर हम लिखे, मास डिफेक्ट का अगर हम सिंपल डेफिनेशन अगर हम लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर मास एंड द रेस्ट मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, समझ में आया, ठीक है। टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियर किसके लिए, स्टेबल न्यूक्लियस के लिए, फिर से समझा देते हैं, देखो न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर मास इज द मास नंबर, और मास नंबर क्या है, जेड प्लस एन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल मास नंबर और न्यूक्लियर मास, एकदम सिंपल। फॉर स्टेबल न्यूक्लियस के लिए, फॉर स्टेबल न्यूक्लियस टोटल मास ऑफ न्यूक्लियर इज लेस देन दैट ऑफ न्यूक्लियर मास, तो टोटल मास कितना एम, इसको हम बाद में जाके क्या बोलते हैं, हम रेस्ट मास भी बोलते हैं, तो रेस्ट मास इज लेस देन दैट ऑफ न्यूक्लियर मास। अगर इसको हमने ऐसे स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन से अगर कोई हमने लेस देन ग्रेटर देन स्टैंडर्ड अगर इक्वल्स को हमने लिखा तो यही जो डिफरेंस है किस किस के बीच में, न्यूक्लियर मास और रेस्ट मास के बीच में जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। तो मास डिफेक्ट का अगर हम सिंपल डेफिनेशन अगर लिखे मास डिफेक्ट का, तो डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर मास एंड फ्रेश मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, समझ में आया, उतार दो।
नेक्स्ट टॉपिक पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियर, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियर इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन का डिफाइन आप कैसे कर सकते हैं, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियर, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियर इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, इफ कैपिटल ए इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर देन पैकिंग फ्रैक्शन कैपिटल एम इक्वल्स टू मास डिफेक्ट डेल्टा एम डिवाइडेड बाय कैपिटल ए। Why are delta m equal to mass defect? इसका फॉर्मूला क्या था, Zmb plus nmm minus capital A। अगर यहां पे हम delta m का वैल्यू निकाल तो Zmb प्लस एन एम एम माइनस ए डिवाइडेड बाई ए, दिस इज आवर पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन इज डिवाइड एज मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियर इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, डालो लिया। चलो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पार्ट में, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से हमारे काउंसिल ने ये टॉपिक सिलेबस से निकाल दिया है, तो ये टॉपिक हम स्किप करेंगे, ये टॉपिक हम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी पार्ट न्यूक्लियर, बाइंडिंग एनर्जी को हम नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। चलो करते हैं, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। देखो अगर कोई भी पार्टिकल, ठीक है,
लाइट की स्पीड से मूव करे। देखो हमारे फिजिक्स जो है वो दो कुछ कुछ हद तक लिमिटेड है, और कुछ कुछ हद तक जहां तक लिमिटेड है वहां से बाकी थ्योरी शुरू होता है। तो फिजिक्स को अगर हम डिवाइड करें तो एक आइंस्टाइनियन फिजिक्स और एक न्यूटोनियन फिजिक्स, ठीक है। तो आइंस्टाइनियन फिजिक्स और न्यूटोनियन फिजिक्स में जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स जो पढ़ते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स सारे न्यूटोनियन फिजिक्स है, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल वेलोसिटी से मूव करे, ताकि सपोज पकड़ लो 200 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर, या फिर एक जेट प्लेन का स्पीड पकड़ लो सपोज 2000 किलोमीटर पर आवर, 4000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये सारा स्पीड हमारे डेफिनेट स्पीड है, नॉर्मल स्पीड है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से मूव करे, यानी 3×10^8 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से अगर कोई भी पार्टिकल अगर मूव करना शुरू कर दे, तो तब जो पार्टिकल का जो मास है, इन जनरल हम क्या जानते हैं, इन जनरल हम जानते हैं मास इज कांस्टेंट, ये तो हम जानते हैं मास हमारा कांस्टेंट है, इन नॉर्मल कांस्टेंट। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा था अगर कोई पार्टिकल लाइट के स्पीड से अगर मूव करना शुरू कर दे, यानी 3×10^8 मीटर पर सेकंड स्पीड से अगर मूव करना शुरू कर दे, तो जो मास है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो वैरी हो जाता है, वो वैरी करता है, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल जो मास है, जो वेरिएबल जो मास है, इसका एक्सप्रेशन उन्होंने कैलकुलेशन करके निकाला था, m = m0 स्क्वायर 1 - b² / c², ठीक है। वायर m0 इज कॉल्ड रेस्ट मास, ठीक है। m0 को क्या नाम दिया था उन्होंने, रेस्ट मास नाम दिया। तो उन्होंने वेरिएबल मास का टर्म निकाला m = m0/√1 - b² / c², ठीक है। अच्छा, तो भाई m0 इज द रेस्ट मास, अगर कोई पार्टिकल लाइट के स्पीड से मूव करे। यहां से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शुरू होता है, रिलेटिविटी शुरू होता है, और जो मास है वेरिएबल मास, इसको रिलेटिविस्टिक मास भी बोलते हैं, इसको रिलेटिविस्टिक मास भी हम कभी कभार बोलते हैं, ठीक है। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो अगर कोई पार्टिकल नॉर्मल फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स, नॉर्मल वेलोसिटी के लिए, लेकिन कोई भी पार्टिकल अगर लाइट की स्पीड से अगर मूव करना शुरू कर दे, तब ये नॉर्मल फिजिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स तब वैलिड नहीं रहता है, तब हमारा आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थ्योरी हमारा काम पे आता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट हमको डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है, बहुत ही डीप नॉलेज चाहिए इसको समझने के लिए, ये हमारे बियॉन्ड आवर स्कोप है, हमको जितना चाहिए उतना ही सिर्फ हम पढ़ेंगे। तो जो मास है सिर्फ वो रेस्ट मास बोलते हैं, इसको हम रेस्ट मास बोलते हैं, और जो रिलेटिविस्टिक मास है उसका उन्होंने कैलकुलेशन किया था आइंस्टाइन ने m² / √1 - b² / c². इसी फॉर्मूले को हम उस काम पे लगा के न्यूटन ने कहा था कि जो एनर्जी है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस का मतलब है, एनर्जी इज टोटली कन्वर्टेड इंटो मास, एंड मास इज टोटली कन्वर्टेड इंटो
energy. This is called mass energy equivalence. This is called मास एनर्जी इक्विवेलेंस. ठीक है, क्या है कि एनर्जी इज टोटली कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास इज टोटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. एनर्जी इज टोटली कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास इज टोटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. दिस इज कॉल्ड मास एनर्जी इक्विवेलेंस. ठीक है, लिख लो अगर लिखना चाहते हैं. तो आप फॉर्मूले को काम पे लगाएंगे, इसी फॉर्मूले को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से. ये फॉर्मूला कैसे आया ये हमको नहीं चाहिए, इसको हम काम पे लगा के हम प्रूफ करेंगे E equals to mc square, mass energy equals. This is energy converted into mass, mass converted into energy. ठीक है, उतारो. ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मास भी वेरी करेगा और वेलोसिटी मोमेंटम वो भी हमारा वेरी ही करेगा. ठीक है, तो कंसीडर ए बॉडी, हम प्रूफ करें. Consider a body moving along x direction. Consider a body having less mass m0 push up force capital F is applied to positive x direction. Positive x axis क्यों पकड़ते हैं, positive x direction. ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमको क्या बोलता है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल्स टू वी पी बाय ए टी. ओके, वेयर पी इज द मोमेंटम, मोमेंटम मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ए टी. Okay. Oh yeah. P is equal to mv equals to momentum. इसको इक्वेशन नंबर हम कुछ ले लेते हैं. Okay. तो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलता है कि मास भी वैरी करेगा और वेलोसिटी तो हमारा वेरिएबल है ही है. ठीक है, फ्रॉम आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोथ मास एंड वेलोसिटी आर वेरिएबल. ठीक है, मास भी वेरी है और
वेलोसिटी तो हमारा वेरिएबल है ही है, तो एफ इक्वल टू पहला एफ कांस्टेंट डीवी बाय डीटी, उसके बाद बी कांस्टेंट डीएम बाय डीटी। समझ में आया? प्रोडक्ट ऑफ टू फॉर्म, पहला वाला फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसको हम इक्वेशन नंबर टू दे। ओके, लेट डी बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी पार्टिकल, उस पार्टिकल का अगर पार्टिकल वेलोसिटी में है तो उस पर काइनेटिक एनर्जी आएगा ही आएगा, तो लेट डी बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है, तो डी इक्वल्स टू एनर्जी मीन वर्क डन, और वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी मीन वर्क डन, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेट डीएक्स इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एफ की जगह पे हम वही डी ऑफ एम पी बाई डी टी एफ इक्वल टू हाँ इतना ये वैल्यू बिठा देते हैं, एफ का ये वैल्यू बिठा देते हैं, एफ का ये वैल्यू बिठा देते हैं, एम डी वी बाई डी टी प्लस बी डी एम बाई डी टी इंटू डी एक्स, ये हो गया हमारा डी, इसको हम इक्वेशन नंबर थ्री दे। ठीक है, यहां तक था। ओके, तो अभी अभी ये वाला जो हमारे इक्वेशन बना है इक्वेशन नंबर थ्री, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करो एम इंटू डीबी बाई डी टी इंटू डी एस, प्लस वी इंटू डीएम बाई डी टी इंटू डी एस। तो एक काम करते हैं हम, एम डी बी रख देते हैं और इसको हम ऐसे लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी, प्लस बी डी एम को हम रख देते हैं और लिखते हैं हम डी एक्स बाई डी टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रहा है और कोई कुछ नहीं। अभी देखो डी एक्स बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारा वेलोसिटी है, तो हो गया हमारा एम बी डी बी प्लस ये क्या है डी एक्स बाई डी टी, अगेन बी है ये बी और ये बी हो गया बी स्क्वायर इंटू डी एम, और यार डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू बी इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, याद है, समझ में आया बी इक्वल टू दिस, इसको हम इक्वेशन नंबर अपोज फोर दे रहे हैं। नाउ फ्रॉम आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी एम इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, मैंने कहा था ये फॉर्मूला हमको चाहिए, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे,
ठीक है। अगर इसको स्क्वायर करके अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्या करके स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हमने कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जीरो सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एम स्क्वायर, नीचे का तो रूट टूट जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर हमारा एचसीएम चला जाएगा, सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो एम जीरो सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एम से सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा हो गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया और एम स्क्वायर से बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया एम स्क्वायर। समझ में आया? इसको हम इक्वेशन नंबर कुछ दे देते हैं फाइव। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फाइव, इक्वेशन फाइव को अगर हम डिफरेंशिएटिंग करें, डिफरेंशिएट करें डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फाइव, इक्वेशन फाइव को हम डिफरेंशिएट करेंगे, मास और वेलोसिटी हमारा दोनों वेरिएबल है तो c तो हमारा कांस्टेंट है, c हमारा कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा c स्क्वायर, मास हमारा वेरिएबल है तो m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा ट्वाइस n और m का डिफरेंशिएशन आएगा 2। समझ में आया? चेन रूल, चेन रूल हमने अप्लाई किया। देखो c तो हमारा कांस्टेंट है ही, ये c तो हमारा कांस्टेंट है, इसमें कोई दोहराया वाली बात नहीं, ये डिफरेंशिएशन के बाहर चला आया तो m स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अभी m स्क्वायर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है ट्वाइस x, m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा ट्वाइस m और m का डिफरेंशिएशन होगा dx। समझ में आया? माइनस माइनस अभी ब्रैकेट m स्क्वायर का माइनस अभी होगा m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा ट्वाइस m bm इनटू b स्क्वायर प्लस प्लस अभी आएगा m स्क्वायर कांस्टेंट b स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा ट्वाइस b bb। समझ में आया? यही तो है माइनस दिस, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन हमने b स्क्वायर को पकड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन कौन है x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा ट्वाइस m का डिफरेंशिएशन दिया। अभी सेकंड फंक्शन हमारा m स्क्वायर, m स्क्वायर कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन b स्क्वायर, b स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस b और b का डिफरेंशिएशन दिया। समझ में आया? और ये m0 डैश मास ये भी कांस्टेंट, c स्क्वायर ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। समझ में आया? इंप्लाइज अभी यहां से आप ट्वाइस एम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो ट्वाइस एम हमने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया तो हो जाएगा सी स्क्वायर डी एम और बाकी सारे चीज को हम उस तरफ से लेके जाए तो हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर डी एम हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर डी एम प्लस हो जाएगा एम तो हमारा कैंसिल चला गया तो ट्वाइस एम एम बी डी। ठीक है, समझ में आया? इक्वेशन नंबर सिक्स तो यहां से ट्वाइस एम कॉमन लिया, यहां से ट्वाइस एम कॉमन लिया, यहां से एम स्क्वायर है तो एक एम रह गया एम बी डी लिया। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड सिक्स, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड सिक्स चार और छह नंबर इक्वेशन से देखो एमबीडीबी स्क्वायर डीएम, एमबीडीबी स्क्वायर डीएम बी और यहां पे सी स्क्वायर डीएम, सो नाउ फ्रॉम चार और छह से हम लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, समझ में आया? इसको इक्वेशन नंबर टू लेते हैं सर।
ओके अब इक्वेशन 7 को हम इंटीग्रेट करेंगे. नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 6 सॉरी इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 7 इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 7 इक्वेशन 7 को हम अगर इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन बी लिमिट फ्रॉम 0 टू ई इज इक्वल टू सी स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट है बाहर लेके आते हैं और डीएफ हमारा मास है जो कि वेरिएबल है कहां से कहां तक रेस्ट मास से लेकर टोटल मास एफ तक तो ई इक्वल टू हो गया हमारा एम माइनस एम जीरो इंटू सी स्क्वायर बट इन प्रैक्टिस एम जीरो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो एम जीरो को आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो ही पकड़ते तो ई इक्वल टू अल्टीमेटली हो गया हमारा एम सी स्क्वायर दिस इज आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस. ओके स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहां तक ही समाप्त करते हैं. दो या तीन लेक्चर में हमारा और दो या तीन लेक्चर में हमारा न्यूक्लियाई खत्म हो जाएगा. तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे एट होम.